हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे मैं आज एक लाइन आर्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे एक एकदम सिंपल सा पोल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक रफ स्केच है जिसको मैं बाद में, जो मेरे पास माइक्रोम का कोई पेन है उससे मैं इसको आउटलाइन ये डार्क करूँगा, और जैसे ही मुझे लगता है मुझे कहीं डार्क करना है मैं आपको बताता हूँ। तो धीरे धीरे आप देख लीजिए कैसे ये ड्राइंग चेंज हो जाता है। तो ये आपने देखा रहेगा इंडियन पोल कैसा रहता है, एक ही पोल में इतनी सारी लाइन खींची हुई रहती है कि कोई देख के कंफ्यूज हो जाएगा ये कैसे किया है इन्होंने, या पड़ोसी कौन सी और आपनी किसी, ये पता नहीं चलेगा। तो ये यहाँ पर अभी ये मैं रफ स्केच को अपने, मैं यहाँ पेन से इसको फेयर कर रहा हूँ, इसके बाद हम इसमें कलर अप्लाई करेंगे। इसमें कोई, ये आपका प्रोस्पेक्टिव जो है वो करेक्ट होना चाहिए, बाकी ये मत ध्यान दीजिए कहीं पे ख़राब है क्या है क्या नहीं है। देखो जब आप करोगे तो सीखते समय आप पहले तो गलती करोगे, गलती करने से आप सीखोगे, तो करते रहो, भले मिस्टेक हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस काम को कंप्लीट नहीं। कोई काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि करते बीच में आधा आधा छोड़ देते हैं, कहीं ख़राब हो गया क्या हो गया, तो इसके ऊपर ध्यान मत दो। काफ़ी समय ख़राब चीज़ें ही काफ़ी सही हो जाती है आगे चल के, बस ध्यान रखना वो मिस्टेक आगे ना करें। आसानी से यहाँ पे आपको जो मन करे वो लाइन खींच दीजिए, ऐसा तो है नहीं कि सारी लाइन सीधा है। बस खाली इतना फोकस करो कि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं ना वो दिखे। जैसे मैंने यहाँ पे लैम्प बनाया हुआ है, दिख रहा है, हल्का सा क्लियर है ये। यहाँ पे मैं इनके अंदर लाइन से मैं वन साइड डार्क कर रहा हूँ, वन साइड यहाँ पे डार्क नहीं करूँगा, जो कि लाइट रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लाइनें ऊपर गई हैं, कुछ ऊपर, कुछ दाई और कुछ बाई और, कोई नीचे कोई ऊपर। ये वन साइड मैंने ये इसको और डार्क कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे हमारी लाइट साइड है। कुछ तारे आपको यहाँ पे डार्क करनी है, हालांकि सभी हर कोई यहाँ पे सिंगल लाइन तो है नहीं है, कोई कोई बड़ी लाइन भी होगी। तो ये रब मैंने मिटा दिया है यहाँ पे रबर से, और अभी यहाँ पे मैं तीन कलर अप्लाई करूँगा। आप देख लो, सबसे पहले मुझे जो भी हम वाटर कलर जब भी करते हैं तभी हम लाइट टोन से डार्क टोन के पास जाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लाइट टोन यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। हल्का सा कलर यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ये येलो का लाइट वाला टोन जो है। हमें बस इतना ध्यान देना है यहाँ पे बादलों का शेप आना चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ध्यान रहे पोल में कलर नहीं लगना चाहिए, बिकॉज हम उसके अंदर उसको नहीं लगा रहे, हम पोल के बाहर के हम बादल दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैंने लाइट लगा दिया, अब मैं यहाँ पे डार्क कलर अप्लाई कर रहा हूँ येल्लो का, येलो टोन यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे और थर्ड टोन जो है वो है ऑरेंज, उसको मैं अप्लाई करूँगा। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे डॉट्स दे रहा हूँ, जैसे कि हमारा कोई खाली हिस्सा लग रहा है वो थोड़ा क्रिएटिव हो जाएगा।
तो यहाँ पे जहाँ जहाँ कलर है, जहाँ नहीं है, जहाँ मुझे लग रहा है वहाँ पे मैं इसको ऐड करते जा रहा हूँ। अब लग रहा है ना खूबसूरत। तो दोस्तों बने रहिए, मैं और भी काफ़ी सारी इजी वीडियो आपको शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।